हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का रूटीन मेरा स्टार्ट हो गया है। मैंने नहा लिया है और यहाँ पर ये रखे थे पाव, जो कि मैं पाव लेकर आई थी एक दिन पहले। तो शाम को बनाया था पाव भाजी, लेकिन उसका ब्लॉग हमने आपके साथ शेयर नहीं किया था, पेंडिंग में पड़ा है, शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो कि उसके पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि हम सभी इतने सौभाग्यशाली हैं, इतने मतलब खुश नसीब वाले हैं, जो कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि रामलला की कैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो पता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, कि जैसे अभी जैसे देश आज़ाद हुआ था, तो हम सुनते हैं लोगों के मुंह से कि 1947 में, 45 में जो लोग हुए थे, जो लोग थे सामने, उन लोगों का क्या रिएक्शन होगा, कैसा होगा। तो यही हम अपने पति से डिस्कशन कर रहे थे, मतलब डिस्कस कर रहे थे कि जब हमारा बच्चा अयांश, अयांश के भी बच्चे होंगे, तो वो याद करेंगे कि हमारी नानी या दादी के टाइम पर रामलला की मूर्ति स्थापित हुई थी और मंदिर बना था। तो वही चीज़ें हैं ना, कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जब हमारी आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि कौन था रामलला की मूर्ति, कौन देख रहा था, कौन, किसने की थी प्राण प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ मतलब सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा इतिहास में। तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। जब हम अभी अपन देखते हैं ना, कि सुनते हैं कि देश आज़ाद हुआ था, तब कैसा लोगों को रिएक्शन हुआ था, कैसा मतलब रिएक्ट करते थे लोग, कैसा लोगों को फील हुआ था, वही सब कुछ अब हम लोग फील कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर पाव भाजी खा रहे थे, तो अयांश भी बोल रहा था मैं भी खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो बेटा खा लो जल्दी से। और ये देखो 12:30 बज गए हैं, तो मैं फटाफट से खा लेती हूँ। और मुझे आज बनाना है गाजर का हलवा, क्योंकि गाजर खुशबा जी ले आए थे और मैंने खोया बहुत दिन, 2 दिन पहले बना लिया था, लेकिन गाजर मैंने उनको 1 किलो बोला था और वो शायद से 2 या 2.5 किलो ले आए, तो बहुत ज़्यादा गाजर हो गई हैं। फिर भी देखेंगे, अगर खोया कम पड़ेगा तो फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से खोया बना के और फिर हम गाजरों इसमें हलवा में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध और गाजर डाल दी है, तो ये अभी गलेंगी अच्छे से। और यहाँ पर थोड़ा सा दूध बचा दिया था कन्हैया जी के लिए, ये बर्तन पड़े हैं, धूप देखो कितनी चटक निकली है। और तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं लोगों के यहाँ, देखो कितनी तेज धूप है, लोग भगवा लगा रहे हैं, भगवा ध्वज लगा रहे हैं, लाइटिंग लगा रहे हैं, दिवाली हो रही है दोबारा। तो ये देखिए, ये गेहूं थोड़े से रखे थे, ये साफ करने हैं। और यहाँ पर ये इसके लिए बिस्किट लेकर आए थे, छोटे छोटे काजू बिस्किट जो रहते हैं, और ये पूरा डिब्बा उठा के बैठ जाता है, बोलता है मैं खा जाऊंगा ये। मैंने बोला थोड़े से खा ले बेटा, तो बोलता नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं ही खा लूंगा। तो मैंने इससे छीन लिए। और ये देखिए 3:30 बज गए हैं, तो यहाँ पर इसको 2-4 दे दिए मैंने, क्योंकि पूरा देंगे ना तो तकलीफ होती है फिर। और ये कपड़े पड़े हैं, तो कपड़े इनको फोल्ड करना है, गेहूं साफ करने हैं। और ये अयांश मतलब ठाकुर जी के लिए दूध गर्म किया मैंने अलग से, अयांश का रखा है। तो क्या बोला? सही से बोल। मुझे तो सुनाई नहीं दिया, मुझे तो बोल रहे हाँ दीदी मैं खाऊंगा, ऐसे बोल रहे वो, तो मुझको तो दीदी बोल रहे, कह रहे दीदी मैं खाऊंगा, पूछो तुम। कानड़ी खाओगी तुम? नहीं, मैं नहीं खाता। मना कर दे। तो तुम भी नहीं खाते कान्हा जी? फिर अयांश भी नहीं खाता? मैं नहीं खाता हूँ। नहीं कान्हा जी, अयांश नहीं खाता है। नहीं मिलेगा तुझको। तो गाइज ये देखो गेहूं फिला दिए। तो गाइज ये देखो हलवा रेडी हो गया, अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। और इस बार गाजर ज़्यादा थी, खोया थोड़ा कम था, लेकिन मैंने ना इसमें 1-1.5 किलो दूध डाल दिया था, और खोया था 1-1.5 किलो दूध का, तो वो भी पूरा ऐड कर दिया इसमें।
अब इसमें जो ड्राई फ्रूट्स लेके आए थे काजू बादाम वगैरह वो डाल देती हूँ। और ये देखो तैयार बैठा है गाजर का हलवा खाने के लिए। अभी नहीं मिलेगा कान्हा जी, जब खा लेंगे उसके बाद ही मिलेगा बेटा। तो कान्हा जी शाम को खाएंगे जब भी आपको मिलेगा। ओके अभी खाएंगे। नहीं बेटा अभी खाएंगे नहीं 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 अभी मैं उनको खिलाऊंगा। नहीं खाएंगे अभी, वो शाम को ही खाते हैं। ओके तब तुम शाम को ही खा लेना तुम भी, ठीक है? मैं तो अभी ही खाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए रामलला की रंगोली बनाई थी मैंने, उल्टी तरफ से सूट किया था ना तो इसलिए उल्टा अच्छा लग रहा था। सीधा ये देखो थोड़ा सा मुँह तिरछा लग रहा है, लेकिन राम और सीता मैया को कितना अच्छा रंगोली में तब्दील किया है, कितना अच्छा रंगोली बनाया ना बच्चों ने। मेरी बिल्डिंग में ही बच्चे हैं लेकर नहीं गए थे, क्योंकि भंडारा के मतलब से नहीं गए थे, सिर्फ दर्शन करने के लिए गए थे। तो प्यास लगाती है ना कुछ खिचड़ी वगैरह खाओ, तो यहाँ पर लला ने सिर्फ केला ही खाया, उसने खिचड़ी नहीं खाई। तो आगे आप लोग इंजॉय करेंगे, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है तो यहाँ दर्शन करने आए थे हम लोग। और मुझे ऐसा लग रहा था कि सब लोग अपने घर पे दिवाली मना रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दर्शन के लिए जा रहे थे राम मंदिर में, लाइन लगी थी। और ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमने हनुमान जी के दर्शन कर लिए थे और बहुत अच्छी रंगोली बनाई, जो कि मैंने आपको दिखा दी है वीडियो में। बहुत अच्छी राम भगवान की रंगोली बनाई थी किसी ने भी, तो बहुत भीड़ थी। और आगे हम लोग, हमने सोचा था पंचवटी जाएंगे, पंचवटी में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि राम भगवान पंचवटी में भी आए थे, सीता मैया इधर रुकी थी पंचवटी में। तो आज के दिन तो बहुत विशेष दिन है तो वहाँ जाना अच्छा लगेगा, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी रास्ते पर और अंधेरा भी हो गया था, मतलब थोड़ा सा लेट हो गए थे, इसकी वजह से हम लोग नहीं जा पाए। तो यहीं हमने दर्शन किए और हम सोच रहे थे कि कोई राम मंदिर मिल जाए वहाँ दर्शन कर लें, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि मिलेगा, क्योंकि हमको यही पता था कि काला राम मंदिर है पंचवटी में, और हाँ वही काला राम मंदिर ही है, वहाँ पर भी भोले बाबा ही हैं। तो ये जो कि दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है, कोई विशेष त्यौहार हो या फिर कुछ विशेष तिथि हो। तो ये देखिए कितने दीपक से सजा दिया, ऐसा दिवाली जैसा ही लग रहा था पूरा चारों तरफ, सबने अपने अपने घरों में दीपक लगाए थे। लेकिन ये देखिए यहाँ पर ये दो बंदर बैठे हुए हैं तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ कुछ प्रोग्राम भी था, गाना बजाना था, लेकिन 6 बजे या 5:30 बजे से स्टार्ट था तो इसकी वजह से अब समापन हो गया था, इसका ख़त्म हो गया था। तो भजन संध्या थी और यहाँ पर ये देखो अयांश आगे आगे जा रहा था, तो इसको ये पता नहीं था आगे ये चिड़िया है ना, इस पर देखो हाथ रख देगा। Yeah.
फ्रेंड्स यहाँ राम मंदिर भी मिल गया। पता नहीं था राम मंदिर है इधर, लेकिन रास्ते से जा रहे थे तो मिल गया राम मंदिर। और यहाँ हलवा मिला था, तो हलवा मैंने लिया नहीं था, कुशवा जी ने और अयांश ने ले लिया था। मैंने कहा मैं नहीं लूँगी, और कुशवा जी को भी मैंने खाने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं खाओगे आप, क्योंकि बहुत मीठा खा लेते हो और फिर पता नहीं चलता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में श्री राम।